करगिल की जंग में क्या थे सेना के हालात, जाबाजों ने कैसे दी दुश्मनों को मात, कम हथियारों से जीती गई थी जंग, क्या देश जानता है सिर्फ आधा सच। 26 जुलाई एक ऐसी तारीख खुद में हिंदुस्तान के जाबाजों के पराक्रम की गवाही देती है। एक ऐसा दिन जब टाइगर हिल्स पर तिरंगा शान से लहराया गया था। जंग में सेना के कई जवान अमर होकर साहस और पराक्रम की ज्योति जला गया। सबसे पहले उन जवानों को NMF न्यूज का सलाम। हिंदुस्तान के इतिहास में 26 जुलाई की तारीख विजय दिवस के तौर पर दर्ज है। भारत ने पाकिस्तान को खदेड़कर कारगिल की जंग जीती थी। हालांकि हर मोर्चे पर विपरीत हालात का सामना कर रही भारतीय सेना के लिए ये जीत आसान नहीं थी। हथियारों की कमी से जूझ रही सेना के लिए पाकिस्तान को जवाब देना भी मुश्किल हो गया था। इस बात का खुलासा खुद इस जंग का हिस्सा रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी ने अपनी किताब कारगिल टर्निंग द टाइड में किया है। उन्होंने 8वीं माउंटेन डिवीजन की जंग के अपने अनुभव किताब में लिखे हैं। हाल ही में CAC की रिपोर्ट में चेताया गया कि फौज के पास गोला बारूद के नाम पर जंग के लिए सिर्फ 10 दिन का ही सामान मौजूद है। हथियारों के मामले में सेना की यह स्थिति 1999 में कारगिल वॉर के दौरान भी थी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी की किताब के मुताबिक सेना आधुनिक हथियारों की कमी से जूझ रही थी। सेना के पास बंदूक का पता लगाने वाले रेडार तक नहीं थे, जबकि दुश्मन ऐसे सभी साजो सामान से लैस थे और इन हथियारों का जमकर फायदा भी उठा रहे थे। पुरी उस वक्त द्रास मुश्कोह में जनरल ऑफिसर कमांडिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पुराने हथियारों के सहारे लड़ी जंग। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी की माने तो पाकिस्तान की तोपों से होने वाले निशाने तेज और एकदम सटीक थे। इनके मुकाबले भारत की 105 MMIFG और 120 MM मोर्टार की रेंज बहुत ही सीमित थी। इतना ही नहीं, इनकी रफ्तार भी कम थी और ये सटीक निशाना लगाने में भी कमजोर थे। दुश्मनों को उलझाने के लिए सेना के पास गाइडेड वेपन्स तक नहीं थे। पुरी के मुताबिक द्रास सेक्टर में हमने दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए फील्ड गन का सहारा लिया, लेकिन सीमित रेंज के चलते कामयाबी नहीं मिली। सेना के पास ऐसे कोई खास हाईटेक हथियार नहीं थे जिससे वो दुश्मनों को चौंका सके। बोफोर्स तोपों ने दी हिम्मत। पुरी की किताब में हुए जिक्र के मुताबिक बोफोर्स तोपों की तैनाती इस जंग में सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई। पहली बार हम दुश्मनों के करीब तक हमला करने में सक्षम हुए। बोफोर्स तोपों से डायरेक्ट फायरिंग के बाद जहां दुश्मनों की तबाही का दौर शुरू हुआ, वहीं भारतीय सेना का हौसला बढ़ा। दुश्मनों को ऊंचाई पर होने का मिला फायदा। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी ने लिखा है कि खराब मौसम और 18,000 से 21,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों के लड़ने की ट्रेनिंग की कमी के चलते जंग और मुश्किल हो गई थी। पुरी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने हमारी तरफ LOC पर कब्जा कर लिया था, जहां से नेशनल हाईवे भी उनकी पहुंच में था। यहां से दुश्मनों के लिए भारतीय सेना पर हमला करना आसान और प्रभावी था। वो बड़ी ही कुशलता से द्रास और काकसर के हाईवे रोक सकते थे। दुश्मनों के हमले में द्रास के ट्रांजिट कैंप को भी भारी नुकसान भी हुआ था। इसके अलावा द्रास में हेडक्वार्टर 56 और 192 माउंटेन ब्रिगेड भी हमलों की रेंज में था। गनीमत ये थी कि हेडक्वार्टर काफी गहराई में होने की वजह से नुकसान कम हुआ। पुरी के मुताबिक ऑर्डर के तहत LOC पार न करने के चलते सेना के ऑपरेशन पर गलत असर पड़ा। कम वक्त में जंग खत्म करने का दबाव। लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी के मुताबिक कारगिल जंग के लिए भारतीय आर्मी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मौसम भी था। हमारे पास वक्त कम था क्योंकि बारिश के बाद यहां जल्द ही ठंड शुरू होने वाली थी। इस दौरान सेना को भारी बर्फबारी का सामना करना पड़ा, इसलिए आर्मी की पोजीशन समय रहते जरूरी थी। यहां बर्फबारी के दौरान बॉर्डर ढक जाती है और सही दिशा का पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। मुझे द्रास मुश्कोर सेक्टर की कमांड दी गई थी। हालांकि इस दौरान तक हमने अपनी तैयारी कर ली थी। मेरी डिवीजन कारगिल के उस सिरे तक पहुंच गई थी जहां बर्फबारी के चलते सड़कें बंद हो जाने वाली थीं।
अगर आर्मी सही वक्त पर यहाँ नहीं पहुँचती तो पाकिस्तान आर्मी काफी अंदर तक घुसाती। प्रोफेशनल सोल्जर्स को मुजाहिदीन समझने की गलती। पूरी लिखते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती घुसपैठियों की सही पहचान ना कर पाना था। हमें लगा कि सीमा पर घुसपैठ करने वाले मुजाहिदीन हैं, जबकि इनके भेष में ये पाकिस्तानी आर्मी के प्रोफेशनल सोल्जर्स थे। इनके लड़ने की तकनीक से हमें अंदेशा होने लगा था कि ये मुजाहिदीन नहीं हो सकते। इसी दौरान हमें दो सोल्जर्स की डेड बॉडी मिली और इससे साफ हो गया कि हमारे सामने मुजाहिदीन नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के सोल्जर्स थे। पुरी ने लिखा कि करीब 140 सोल्जर्स की डेड बॉडी लेने से पाक सेना ने मना तक कर दिया था। मेरी डिवीजन के जंग में मारे गए ऐसे ही 140 पाकिस्तानी सोल्जर्स को खुद दफनाया था। एयरफोर्स ने तोड़ा दुश्मनों का मनोबल। पुरी के मुताबिक शुरुआती दौर में एयरफोर्स ग्राउंड की सामरिक जरूरतों के मुताबिक काम करने में सक्षम नहीं थी, लिहाजा लगातार हमलों के बाद भी लक्ष्य को साधना उसके लिए मुश्किल था। उन्होंने अपनी किताब में इसे लेकर एक घटना का भी जिक्र किया है। इसमें बटालियन के एक कमांडिंग ऑफिसर ने ही एयरफोर्स ऑपरेशन को रोकने के लिए कहा था, क्योंकि एयरफोर्स के हमलों की जद में खुद बटालियन ही आ रही थी। पुरी की किताब के मुताबिक बाद में एयरफोर्स को पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव बेस को टारगेट करने को कहा गया था। ये बेस LOC पर छिपा हुआ था, ऐसे में इसका पता लगाना काफी मुश्किल था, जबकि एयरफोर्स लेजर गाइडेड बम से लैस थी। हालांकि एयरफोर्स टारगेट को बेअसर करने में नाकाम रही, लेकिन एयरफोर्स के इस जंग में शामिल होने का दुश्मनों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। भारतीय सेना के लिए जहां ये हिम्मत बढ़ाने वाला था तो वहीं दुश्मनों में निराश भरने वाला। हालांकि इसके बाद मिराज ने 17 जून को मुंथो डालो टाइगर हिल और द्रास सेक्टर के पॉइंट 43-88 में दुश्मनों की लाइन को नेस्ते नाबूद कर दिया।